हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम आपको छत में कैसे पाइप डाला जाता है सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। जैसा कि देखिए, ये हमारा छत है, इसी छत में हमको पाइप डालना है। चार कंसील बॉक्स एक रूम में है और दो पंखा है एक रूम में। कैसे डालना है ये आपको हम दिखा रहे हैं। छत में पाइप डालने से पहले सावधानी हमको ये रखना है, जैसे हम पाइप जब लगाएंगे तो पाइप में टेप मार लिया जाता है। देखिए, ये हम टेप मार रहे हैं। टेप मार के लगाना चाहिए ताकि वाइब्रेटर चले तो मसाला इसमें ना घुसे, इसलिए टेप मारा जाता है। ये हमारा टेप लगा करके तब लगाया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये कागज़ भर लिया गया है। पहले कागज़ भर लेना चाहिए, कागज़ भर के उसके बाद से बैठाना चाहिए। अभी हमारा कंसील बॉक्स है, देखिए कंसील बॉक्स में हम लाइट लगा रहे हैं। जैसा कि नापी करके उसके बाद से बैठाना चाहिए। देखिए, इतना पाइप निकाल दिया जाता है इसलिए ताकि कंसील बॉक्स बैठे ढंग से। अब इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। सेम इसमें भी ऐसे हमको करना है। सब पाइप में टेप मार लिया जाता है इसलिए ताकि, मान लीजिए कि अपना जो है वाइब्रेटर चले मकान में तो कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा अब कंप्लीट हो गया। अब इधर का हम डालेंगे इस वाले में। अब देखिए, ये हमारा एक रूम में दो पंखा और चार कंसील बॉक्स लग गया। अब हम इस रूम में बेंड गिराएंगे और यहीं से हमारा सर्किट जाएगा। देखिए, आपको कैसे दिखाया जाएगा कि कैसे सर्किट जाएगा और कैसे हमारा बेंड गिरेगा। सबसे आसान तरीका ये आपको दिखाया जा रहा है। ये पाइप हमारा अब सर्किट जा रहा है, मेन सर्किट इस रूम का हमारा सर्किट जा रहा है। इसी में हमारा एसी का भी पाइप आ जाए, तार आ जाएगा
और इसी पाइप में हमारा लाइट का भी सर्किट आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि टेप लगा देंगे और टेप लगा करके जाएगा जहाँ वो भैया खड़े हैं वहीं पे हमारा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बैंड गिराएंगे, अपना बैंड गिराएंगे जैसे तो ऐसे ही जैसे बैंड गिराएंगे हमको टेप लगा करके वैसे ही सेम हर एक पाइप में टेप लगा करके उसके बाद से पाइप लगाया जाता है ताकि वाइब्रेटर करें कोई दिक्कत ना। देखिए ये हमारा खड्डा मार दिया गया है, खड्डा बैंड 9 इंची का जहाँ पर दीवार रहता है, दीवार पर बिंद रहता है वहाँ पर हमको 9 इंची गिराना होता है नीचे ताकि दीवार में आ जाए। जब दीवार में आ जाएगा तब हमारा क्या होगा कि फेरी काटने में हमको आराम मिलेगा। अगर नहीं, अगर हम क्या करेंगे पहले नहीं होल मारेंगे तो हमारा बेंड जो रहेगा वो छत में ही रह जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा पाइप डालने में। अब आपको देखिए बेंड कैसे गिराते हैं ये आपको दिखा रहे हैं। पाइप को काट लिया जाता है नाप करके, ये हमारा पाइप नापी होकर कट रहा है। इसमें भी हम टेप लगा देंगे ताकि गिरे नहीं बैंड। अब क्या करेंगे इसको हम यहाँ पे बांध देंगे छिन्ने प्लास और तार लेकर के यहाँ पे खूब बढ़िया से बांध दिया जाएगा। ये अभी फिलहाल में हम इस रूम का पाइप लगा लेंगे उसके बाद से हम उसको बांधेंगे। आप देखिए लेंटर में पाइप डालने का सबसे आसान तरीका क्यों बता रहे हैं हम, देखिए यहीं से हमारा मेन सर्किट जा रहा है। अब हमको यहाँ पे हमारा रूम का दरवाज़ा है तो हम यहीं से हम बैंड गिराएंगे, इसलिए बैंड गिराएंगे ताकि हमारा तार कम लगे। अब ये नहीं कि देखिए हमारा सर्किट यहाँ से जा रहा है और बैंड हम रूम के दरवाजे के पास यहाँ से गिरा दिए, यहाँ पर हमारा तार ज़्यादा लगेगा इसलिए हम यहीं से गिराएंगे बैंड ताकि तार भी कम लगे और हमको आसानी से काम करने में भी कोई दिक्कत ना हो। यहीं से हमारा बैंड वहाँ पर भी चला जाएगा ताकि मान लीजिए कि यहीं से हमारा सर्किट जा रहा है तो यहाँ से भी हमको तार कम लगे, इसलिए हम क्या करेंगे यहीं से यहाँ पर सर्किट से ही बैंड हमारा चला जाएगा। यहीं से हमारा सर्किट आ रहा है यहीं से हमारा बैंड के लिए जाएगा।
का हमको एक बेंड और गिराना है, तीन बेंड हमारा गिर गया, इस रूम में हमको एक बेंड और गिरा देना है, उसके बाद इस रूम में हमारा वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। क्या हाल है कुशवाहा जी? नमस्कार, काम शुरू हो गया है? हाँ, आ गए बाटक जी। Gracias.